बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। मैंने इस टॉपिक पे दो दफ़ा पहले वीडियो बनाई है, लेकिन हमेशा पॉलिसीज चेंज हो जाती थी, तो वो कुछ चेंजेस थे जो आप लोग हमेशा काफ़ी देर से पूछ रहे थे, सॉरी फॉर द लेट। चलें डिस्कस कर लेते हैं डिग्री के हवाले से। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जब आप पढ़ लेते हैं तो सबसे बड़ा मसला बन जाता है डिग्री लेना और ये सारा कुछ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनकी डिग्रीज नहीं आती, हालांकि वो प्रोसेस बिल्कुल सही फॉलो करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बाकी चीज़ें भी मैंने पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन की, लेकिन मैं आपको ये फैक्टर्स ज़रूर बताऊंगी कि जिनकी वजह से आपकी जो है ना डिग्री लेट होती है, यानी या फिर आपकी डिग्री पर ऑब्जेक्शन लग जाता है। तो चले सबसे पहले प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस क्या है, आप लोग बेशक मुझे इन नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, ये जो नंबर शो हो रहे हैं यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस एक दफ़ा सेंड भी कर दूँगी। प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, ये देख लें आपको नज़र आ रहा होगा कि ड्यूली फिल्ड डिग्री फॉर्म, फी चलान, डिग्री फी रीअपियर हो या फिर कोई और, ऑफिशियल कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट जिसकी आपने डिग्री आपको रिक्वायर्ड है, अटेस्टेड कॉपीज बाय द गेजेटेड ऑफिसर्स, ठीक है, स्टैम्प शुड बी विद द नेम एंड ये वो सारा कुछ, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आप लोगों को फॉर्म वगैरह ये बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाके ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ये जो है AIOU.edu.edu की खोल ली। ओके, यहाँ पर आना है, थोड़ा डाउन करें, यहाँ पर डाउनलोड्स। मैं लैपटॉप से इसलिए बता रही हूँ ताकि बड़ी स्क्रीन आपको समझ आ जाए, आप इसको सेम तरीके से लाइव मोबाइल पे कर सकते हैं। रीड मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, लिखें एप्लीकेशन फॉर्म, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आ रहा है डिग्री फॉर्म, इसके बिल्कुल नीचे डिग्री फॉर्म, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डिग्री फॉर्म यहाँ पर नजर आ जाएगा। डिग्री फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे नहीं, ये सारा ईच एंड एक एक इसका जो पॉइंट है ना, वो मैंने जो प्रीवियस वीडियो है ना उसमें बताया हुआ है। आप वो वीडियो ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि डिग्री फॉर्म आप लोगों ने कैसे फिल करना है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने डिग्री फॉर्म लेना है इसके ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। चलें जब तक ये लोड होता है दूसरी बात करती हूँ आपने क्या करना है। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि अगर आपका कोई री अपीयर है, अब ये चीज़ दोबारा से मैं बता रही हूँ, अगर आपका री अपीयर है तो आपने ये प्रोसेस करना है, अदरवाइज जो ये फॉर्म आएगा आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और इस फॉर्म को फिल करने के ये वो सारे तरीके जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ एक एक पॉइंट के साथ, तो वो वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको, ठीक है। हाँ जी चले शो हो गया, ये ओपन यूनिवर्सिटी का डिग्री फॉर्म है, ये आपने इसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेके इसके ऊपर जितनी चीज़ें मेंशन है वो सारी बिल्कुल जैसे जैसे मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है आप वो सुने, आपको समझ आ जाएगी, ऐसे आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। और मैं भी आप लोगों को जो ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं कि क्यों आप लोगों की डिग्री सही प्रोसेस फॉलो करने के बावजूद भी नहीं आती वो बताऊँ। अगर कंसीडर मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड किया और मेरा कोई रीअपीयर नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो फॉर्म है ना ये फॉर्म फिल करना है, इसको ये नीचे जो एड्रेस है, कौन सा एड्रेस यहाँ पर लिखा होगा, हाँ, बनाम कंट्रोलर इम्तहाना शोबा इम्तहाना सर्टिफिकेट डिग्री सेक्शन ब्लॉक नंबर 3 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इधर मैंने पोस्ट कर देना, सिंपल दैट्स इट, ठीक है। अगर मेरा रीअपीयर है तो फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पर गए दोबारा से डाउनलोड्स रीड मोर, यहाँ पर आके आप लोग चलान फॉर्म नीचे होगा थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें चलान फॉर्म, चलान फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ये एक सिंपल चलान फॉर्म वहाँ से आपको मिलेगा इस चलान फॉर्म, और आपने एक चीज़ और, आपने दो चलान फॉर्म और जनरेट करने हैं अगर आपका रीअपीयर है। अगर आपकी आपका सिर्फ और सिर्फ एक यही वाला है जी, ये वाली मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ कोई रीअपीयर नहीं है तब आपने एक चलान फॉर्म जनरेट करना है, और अगर आपका दो है मतलब एक डिग्री की सिर्फ फीस, दोबारा से बता रही हूँ, दो तरह दो एक फीस होती है डिग्री की, इसके साथ ये जो ये आपको शो हो रहा है इसके साथ सिर्फ डिग्री की फीस लगेगी, ओके। लेकिन अगर आपका रीअपीयर है तो फिर दो चलान फॉर्म लगेंगे, एक एक डिग्री का डिग्री फॉर्म, दो चलान फॉर्म अगर आपका रीअपीयर है। अगर आपका रीअपीयर नहीं है, एक डिग्री फॉर्म, एक चलान फॉर्म, क्लियर। चलान फॉर्म जनरेट करने की बात कर लेते हैं, जो चलान फॉर्म आपने डिग्री के साथ अटैच करना है वो आपने कैसे जनरेट करना है। सबसे पहले डिग्री फी का ले लेते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। यहाँ पर आके आपने सबसे पहले अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, इनके स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट में जाके अपना रोल नंबर दें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर दे रही हूँ, उसके बाद आप अपना नाम एंटर करें, फादर नेम एंटर करें, और कैटेगरी में मोस्ट इम्पोर्टेंट हेयर कैटेगरी में आके आपने डिग्री फ़ीस, ये यहाँ पर शो हो रही होगी डिग्री एंड सर्टिफिकेट फ़ीस, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने वो आपसे पूछेगा अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करें, कंसीडर कर लें, अगर मेरा प्रोग्राम है बीए है तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया प्रोग्राम, और इसको यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूँगी, और इस तरह से ये पीडीएफ की फॉर्म में मेरे सामने आ जाएगा, और ये मेरा डिग्री फीस का चलान फॉर्म है, क्लियर। आगे बात कर लेते हैं जी,
अब करते हैं बात रीअपीयर। ओके, अब हम लोग रीअपीयर के चलान फॉर्म का तरीका देखते हैं कि मेरा रीअपीयर है तो उसका चलान फॉर्म कैसे जनरेट होगा। सिमिलरली यहाँ से आकर स्टूडेंट सेलेक्ट करें, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर एंटर करें, जैसे कि अभी मैंने किया है। नेम, अपना फादर नेम एंटर करें और यहाँ से कैटेगरी में जाएं। कैटेगरी में जाके आपने रीअपीयर फीस जो है वो सेलेक्ट करनी होती है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएगी रीचेकिंग ऑफ एग्जाम, रीअपीयर एग्जाम फी। जब आप ये कर लेंगे आपसे प्रोग्राम पूछ लेगा, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया है। इसके बाद आप अपने नंबर ऑफ रीअपीयर्स, अगर मेरे दो हैं दो कर देंगे इसको, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप जितने भी हैं, तीन है चार हैं। करने के बाद इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और ये एक सादा सा तरीका है दोनों चलान फॉर्म को जनरेट करने का। अब मैंने क्या किया, अब मेरा है क्या है, मेरा इस टाइम रीअपीयर है। मैंने ये वाला जो डिग्री फॉर्म मुझे नज़र आ रहा है, मैंने ये सारा इसको प्रिंट निकाला, इसको सारा फिल किया। फिल करके मैंने एक चलान फॉर्म जनरेट जो पहले मैंने किया था, कौन सा वाला, डिग्री वाला, एक वो किया, दूसरा मैंने ये वाला किया और दोनों को मैंने, तीनों को, दो को पे किया और मैंने इसको पे सबमिट करवा दिया। किस एड्रेस पे, ये जो सबसे नीचे एड्रेस दिया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद अगर मेरा रीअपीयर नहीं है फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने बस इसको प्रिंट लेना है, इसको फिल करना है और एक चलान फॉर्म, कौन सा चलान फॉर्म, जो डिग्री फीक है, वो करके दोनों को मैंने सबमिट करवा देना है इस लास्ट वाले एड्रेस पे। दैट्स इट। ये छोटा सा प्रोसीजर था डिग्री के लिए अप्लाई करने का। अब बात करते हैं मसलों के ऊपर कि मैंने ना अभी रिसेंटली एक बच्चा है उसकी डिग्री के फॉर्म जो है ना वो वापस ऑब्जेक्शन लग के आया था। क्यों आया था? सबसे पहली बात, आप लोगों ने जो मैंने प्रोसीजर वीडियो में बताया हुआ दूसरी में कि ये देखें इसको ऐसे फिल करें, वो सारा आपने बिल्कुल सही फॉलो करना है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये देखें, अटेस्टेड कॉपीज बाय गैजेटेड ऑफिसर, स्टैम्प शुड बी विद नेम। अब ना पता क्या होता है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है तो हम लोग स्टैम्प लगवा के ले जाते हैं, लेक्चरर एट यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, टीचर एट यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये स्टैम्प नहीं लगवाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्टैम्प लगवाई है ज़ावर अली, तो जो स्टैम्प सॉरी साइन करवाए हैं ज़ावर अली के, लेकिन जो स्टैम्प है उसके अंदर लेक्चर लिखा हुआ है, तो वो मेरा ऑब्जेक्शन लग के वापस आ जाएगा। मैंने नाम वाली स्टैम्प लगवानी है। बहुत सारे बच्चों का ये मेन इशू। अच्छा, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना आपका, और प्रीवियसली आपके जितने भी हैं, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि सनद है तो सनद को टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। जितने आपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं सारे ड्यूली अटेस्ट करवा के नाम वाली स्टैम्प के साथ फिर पोस्ट करवाने हैं, फिर इंशाल्लाह आपकी डिग्री का कोई भी मसला नहीं बनेगा और आपकी डिग्री आपके घर आ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर अवर टुडेज वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की है कि, और वीडियो में इसलिए लेट हो गई थी कि मैं चेक कर रही थी कि मुझे बच्चा जिसको ऑब्जेक्शन लग के आ रहा है वो प्रोसीजर ज़रा एक दफ़ा समझ आ जाए तो फिर आप लोगों को भी क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको कहीं समझ नहीं आती, तो आप इन नंबर से मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। आपको कोई भी किसी किस्म का भी हेल्प चाहिए, आई एम देयर अवेलेबल फॉर यू। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को शेयर करें और इसको आप लोग अप्लाई करें, फिर मुझे बताएं कि आप लोगों की डिग्री जो है वो कितने दिनों में आई, ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।